सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आप सभी को मेरी तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपके साथ 3 किलो चिकन के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी सालन बनता है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी इस हिसाब से अगर आप ये सालन बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी है 3 किलो चिकन का सालन बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट टेस्टी सालन को बनाना। चिकन का सालन बनाने के लिए यहाँ पर 3 किलो चिकन लिया है, इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसमें 3 छोटे चम्मच नमक और 1 बड़ा साइज़ का नींबू लेकर उसका रस निचोड़ दिया है। नमक और नींबू को अच्छी तरह इस चिकन में मिक्स कर लिया है। अब इस चिकन को ढककर मैं रख दूँगी, जब तक सारे मसाले भुनेंगे चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। चलिए इसको अब मैं ढक देती हूँ। देखिए खड़े मसाले लिए हैं 4-5 दालचीनी के टुकड़े, 2 जावित्री के टुकड़े, 2 स्टार फूल, 4 बड़ी इलायची, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्चें, 1/2 छोटा चम्मच लौंग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 4-5 तेज पत्ते हैं। इन मसालों को मैं थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा देती हूँ। देखिए जो बड़ा सर्विंग स्पून लिया है, इसी सर्विंग स्पून से 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है। 3 किलो मुर्गा बना रहे हैं इसलिए 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। इसी चम्मच से 6 बड़े चम्मच प्याज का पेस्ट है। 250 ml का यह गिलास है, इस गिलास से 1.5 गिलास तेल डालना है। टोटल 400 ml तेल डलेगा। तेल डालने के बाद तेल को अच्छी तरह गर्म होने दूंगी। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, जो खड़े मसाले थे उनका पानी निथार कर मसाले डाल दूंगी और ढक्कन को बंद कर दें। इसके बाद प्याज का पेस्ट डाल दूंगी, साथ ही लहसुन अदरक के पेस्ट को भी डाल दूंगी। सूखे मसालों में 10 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 9 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। लाल मिर्च हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इनको गीला कर लूँगी। देखिए इस तरह से हल्का सा गीला करके लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ में इन मसालों को डाल देना है। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुके हैं। अब इन मसालों को चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर 30 मिनट तक भूनना है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं मसाले चिपकने लगे यदि तो। देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, एक एक दाना अलग अलग हो गया है और तेल अलग हो चुका है मसालों से। अब इसमें जो चिकन रखा था वो डाल देंगे। चिकन को भी मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से चिकन मिक्स करने के बाद में 2 छोटे चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक को भी मसाले और चिकन के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से पहले ध्यान रखें, नमक हमने चिकन में भी डाला था। देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन मसालों के साथ में मिक्स हो चुका है। इसके बाद इसमें 250 ग्राम दही डाल देंगे। ये सालन मेरी बाजी बना रही हैं। जब भी मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती हूँ या तो सालन बाजी बनाती हैं या फिर अम्मी बनाती हैं और मैं वीडियो शूट करती हूँ। चिकन को मसालों के साथ में भूनते भूनते 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, पानी अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं डला है। अगर थोड़ा सा सीरा करना है तो इसी वक्त इसमें 1/2 गिलास पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरी बाजी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगी क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा ही सीरा रखना है। अब इसको ढककर 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि चिकन अच्छी तरह से नहीं गल जाएगा। और बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है, नहीं तो ग्रेवी चिपक सकती है। जब चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा तो 2 छोटे चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और धनिया पत्ती डालकर इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी का टेक्सचर है, बस इतना ही गाढ़ा इसको रखा है। और एक डिश में ये सालन निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी संगत आई है इस सालन की। ये देखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फटाफट बन जाता है, एकदम मुस्लिम स्टाइल से ये सालन बना है। इस सालन को थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया है क्योंकि इसको रुमाली रोटी के साथ में सर्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।